आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आज सोमवार का दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। देखेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है सोमवार के दिन, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, अगर ओमिक्रॉन के चक्कर में आपको भी डर लग रहा है कि आपकी दुकान कहीं बंद ना हो जाए, फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, दुकानदारी की अपनी ग्राहकी की चिंता सता रही है कि सेल पूरी डाउन हो जाएगी और आगे क्या ऐसा स्थिति रहेगी, अगर इसकी भी डर सता रहा है तो आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS, माई बिग ब्लिस। इस ऐप के जरिए आप कुछ भी सामान बेच सकते हैं, किसी तरह का कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं करनी पड़ेगी, बस ऐप को डाउनलोड करना है, उस पर अपना स्टोर बनाना है और उस पर अपने प्रोडक्ट्स चढ़ा के लाइव कर देना है। इसके लिए आपको एक रुपया खर्च नहीं करना है, कोई भी कर सकता है इसको, चाहे हाउसवाइफ हो आप, चाहे स्टूडेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई क्यों ना हो, जो अपनी पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। तो तुरंत डाउन करें माई बिग ब्लिस ऐप। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं आज की कमोडिटी बाजार के अपडेट की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1811 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर $22.8 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में आज भी ठीक ठाक लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, चांदी थोड़ी लुढ़की हुई है, हालांकि सोना $1800 के ऊपर देखने को मिल रहा है $1811 पर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जब हमारी रूपा मेहता से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि सोना अभी एक रेंज में देखने को मिल सकता है जो कि नीचे में 1780 और ऊपर में 1820 की रहेगी। तो उसी रेंज में देख रहे हैं कि हम सोना धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अभी एक रेंज में ही देखने को मिल रहा है। दरअसल अब हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जो केसेस है वो भारत में भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे व्यापक रूप में ना बढ़ रहे हों, इतना खतरा देखने को ना मिल रहा हो, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं और अभी इसका कितना खतरा रहेगा, कितना इम्पैक्ट रहेगा, ये भी पता नहीं चल पाया है। इसकी वजह से भी असमंजस की माहौल, असमंजस की स्थिति बनी हुई है साइंटिस्ट्स के बीच भी। लेकिन अभी अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट में जिस दिन हम देखते हैं कि डॉलर थोड़ा कमज़ोर रहता है और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं, तो उस दिन सोने चांदी की कीमतों में भी हम बढ़त बनते देखते हैं और वही हम देख रहे हैं, वही दौर आज भी देखने को मिल रहा है। तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोना चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, क्या रणनीति अपना कर चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि सोना आज एक बार फिर से $1811 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपने पहले ही बता दिया था कि सोना नीचे में 1780 से लेकर 1820 की रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा, वही रेंज हम आज भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से भारत में भी अब ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या सोना इस रेंज को भी तोड़कर आगे तेजी की ओर ट्रेड करता नजर आएगा? देखिए, सोने और चांदी में अभी फिलहाल जो है एक सुस्ती के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो $1800 के ऊपर जो सस्टेनेबिलिटी है, इससे लग रहा है कि सोना एक बार $1820 के ऊपर अगर निकलता है तो वापिस 1860 से 1880 की रेंज पकड़ सकता है। और जिस तरीके से अभी वापिस से ओमिक्रॉन का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि सोने के अंदर एक बाइंग आते हुए हम देख सकते हैं। आज इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि सोना जो है अभी रेंज बाउंड रह सकता है, 48,000 से लेकर 48,400 से 500 की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती। जी, तो यानी कि अगर सोना रुपए के मुताबिक $1820 का लेवल तोड़ता है तो ऊपर में 1860 से लेकर 1880 तक जाता नजर आ सकता है। कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि WTI आधे फीसदी की गिरावट के साथ है $73 पर, ब्रांड क्रूड ऑयल $76 पर है। रूपा जी, देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के लेवल्स आज भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, हालांकि जो निवेशक है उनकी नज़रें अब ओपेक प्लस पर बनी हुई है कि अब आगे वो क्या फैसला लेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस है वो अभी भी एज इट इज़ अपने रनिंग ऑर्डर में चल भी रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन वाला माहौल है, असमंजस की स्थिति है कि आगे जाके इम्पैक्ट रहेगा नहीं रहेगा, लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे में आपको क्या लगता है, ऐसे में इस कारोबारी सप्ताह कच्चे तेल की कीमतें क्या देखने को मिल सकती है?
देखिए जिलेश, कच्चा तेल भी अभी एक रेंज पकड़े हुए हैं, नीचे में 68 से 65, तो ऊपर में 75। अब हम देख रहे हैं कि 73 से ऊपर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। और अभी जो कच्चे तेल में गिरावट आ रही है, दरअसल क्रिसमस ईव के चलते यूएस में कुछ फ्लाइट्स को बैन किया गया है, और ताकि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट जो है वो फैलता हुआ दिखाई ना दे। तो इस तरीके के स्टेप्स जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, उसका सीधा असर हम कच्चे तेल की कीमतों पर आते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से कच्चा तेल फिलहाल ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल ट्रेंड तो देखिए पॉजिटिव है, लेकिन ये ओमिक्रॉन के इम्पैक्ट की वजह से डिमांड फैक्टर एक जो है वो इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसकी वजह से कीमतों पर दबाव आ सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो अभी फिलहाल फंडामेंटली पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे ओमिक्रॉन की खबरें निकल कर आती है, वैसे ही कच्चे तेल की मांग के ऊपर असर आता है और कच्चा तेल लुढ़कता दिखाई देता है। तो ऐसे में आप मान के चलिए फिलहाल रेंज बाउंड है $68, 65 नीचे में और ऊपर में 75 डॉलर। जी यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का बाजार भी आज ठीक ठाक ट्रेड करता नजर आ रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन बेस मेटल्स में हरे निशान पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। लगभग सारी बेस मेटल्स की जो कीमतें हैं घरेलू वायदा में अच्छी ही देखने को मिल रही है। एक अच्छी शुरुआत के साथ बेस मेटल्स का बाजार खुलता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आज इंट्राडे में बेस मेटल्स में क्या और भी अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए बेस मेटल में पॉजिटिव रुझान है और अभी फिलहाल बाजार तेजी की तरफ ही जाते दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉपर जो है उसकी रेंज 720 से ऊपर में 760 के बीच बनी रह सकती है, और नीचे डिप पर आपको बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। और सेम एज इट इज अगर सिर्फ निकल की बात करें तो निकल में भी जो लेवल है वो 1520 से लेकर ऊपर में 1580-1600 तक एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के अंदर फिलहाल बाइंग करके चला जा सकता है, जो भी डिप आती है उस डिप के अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं। जिंक भी नीचे में 280 से लेकर ऊपर में 298 या 300 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी टॉपिक्स क्या रहेंगे आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन आपकी तरफ से नॉन एग्री कम्युनिटीज में, जिसमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? देखिए मुझे तो लगता है कि डिप पर आपको बेस मेटल्स में बाइंग करना चाहिए और साथ में सोने चांदी के अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी तो यानी कि बेस मेटल्स में निचले स्तर पर और इसके साथ साथ सोने चांदी में भी आज इंटरडे में निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है रूपा जी के मुताबिक, और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।